तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू डेली व्लॉग। अब तुम लोगों को बोल दूँ कि मैं छत में हूँ तो मुर्गों शुरगों की आवाज़ें आ रही होंगी। ये पिंजरा कहाँ गया? तुम लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, तुम लोग सोच रहे हो कि इधर जाल लगा हुआ, पर इधर जाल नहीं है। इस जगह पर ये देख सकते हो, अरे भाई इससे मुर्गा भी मेरा तो भाई टूट रहा शूट रहा, ये नहीं पता कि किस लिए टूट रहा और टूट रहा है। हमारी कभी थोड़ी सी पड़ी है, चलो पता चल गया। और वैसे हम लोग यहाँ पर सोए थे सारे, सो क्योंकि यार तुम लोगों को पता है रातों में लाइटें वाइटें जा रही होती है और बहुत धनिया सनिया हो रही होती भाई। और अब तुम लोग इस चरपाई को देखो, ये भी टूटी हुई है, क्या करें भाई, गुजारे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब का सीन कुछ सीन करते हैं गाइस। व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9 बजे, तो आज जुम्मा भी है, जुम्मा मुबारक। और अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ वालिद के साथ ज़रा दुकान पे, क्योंकि यार मैंने सोचा हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो चलो ज़रा चले जाएंगे। आ चुके हैं और नहा धो के बिल्कुल फ्रेश भी हो चुका हूँ, और अब बस मेरे को नमाज पढ़ने जाना है और चलते हैं नमाज पढ़ने। वैसे सूट जो थे ना, ये मेरे ईद के तीसरे दिन का था, ईद की बात चल रही है अब यहाँ पर, ईद के तकरीबन 15 दिन गुजर भी है। सो ईद के पहले दिन का था, सो तब उस वक्त सीन ये था ना यार, नहीं तीसरे दिन का था, तब मैंने नहीं पहना क्योंकि हम लोग वो पानी वाली जगह पे जा रहे थे ना नहाने के लिए, सो इसलिए। और बस अब तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर आता हूँ, फिर मेरे को मेरी स्कूल की कुछ किताबें जो लेके जानी है और चेंज वेंज करवानी है। मतलब स्कूल मेरा पहले मैं चेंज कर रहा था, तुम लोगों को बताया था ना यार, छोड़ भाई ये सारी बातें आके करते हैं भाई, मेरे को नमाज़ पढ़ने जाना है भाई, 1:30 होगा, सो चलता हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, फिर आने के बाद ये सारी बातें करता हूँ आराम से तसल्ली से। तो भाई जब मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, और तुम लोगों को एक बात बता, मैंने ये टोपी अगर बता दी, मैं पूरा पूरा मतलब सही ब्लैक ब्लैक हूँ आज, सब मतलब मैचिंग की तरह। टोपी तो तुम लोगों को पता ही है, कपड़े भी तुम लोगों को पता ही है, देख लो तुम लोग, और तुम लोग घड़ी को भी देख लो, चश्मे को भी देख लो, ये भी काला ही है, मेरे चेहरे को भी देख लो, ये भी काला ही है, तो पूरी मैचिंग। सो गाइस अब मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ, मैं उस वक्त क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था यार कि बस ये आज जाने हैं कॉपियाँ वोपियाँ लेने, पर अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि गाइस देखो अभी 3 बज चुके हैं, और अगर अभी यार मतलब जाने का दिल भी नहीं है ना, तो फिर कल नहीं, कल तो हफ्ता होगा संडे, फिर वाले दिन ही चले जाएंगे, सर से मुलाकात कर लेंगे और कॉपियाँ वोपियाँ का बुके वुके का सारा सीन कर लेंगे, ठीक है ले लेंगे। तो फिर वाले दिन ये कर लेंगे, फिर मंगल वाले दिन से जाएंगे, फिर वाले दिन हमारा कहीं फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम है, सो वहाँ पर जाएंगे, कल का प्रोग्राम देखते हैं। पर आज से क्या कहूँ, आज का मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब है, तुम लोगों को नहीं पता कौन से दोस्त की, राधे दोस्त की, उसके पीछे अभी जाते हैं मिलने भी उससे मैंने बात की, मतलब वो ऑनलाइन था बैठा हुआ था, उसने मेरे को बोला हाँ बहुत नहीं गई तबीयत खराब है ये वो, मैंने उसे ये नहीं बोला मैं आ रहा हूँ, फिर चलते हैं उससे मिलते हैं और फिर वापस घर पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यार, बस जाऊँगा मिल के वापस आ जाऊँगा। सो और बाकी मैंने जूम का सिस्टम अभी हटा दिया क्योंकि इसमें यार मसला होता है ना, मेरा चेहरा सही नहीं आ रहा होता और इसलिए, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं राधे के पास, फिर राधे के पास जाने के बाद ही आप लोगों को मिलते हैं। राधे के घर के पास आए, वो निकले बाहर, आवाज़ से दीदी बोला आ रहा है, सो अब आ गए, फिर देखते हैं उसकी तबीयत ख़राब है या झूठ बोल रहा था। आ गया भाई, आ गया। अरे भाई तू हर वक्त खर्चे में क्यों रहता है भाई, तेरी ये बात मेरे को समझ में नहीं आती, कदम से देखते मेरे को बहुत अच्छी आती है यार,
ये इतना कम से कम भाई बंदा पहने है तो इतना तो पहने यार, इतना तो ये जगह तो छुपाई, ये घुटने तो छुपाए भाई, तू इतना ये क्या भाई है भाई, क्या हुआ तबीयत खराब है तेरी ना, तबीयत खराब है तेरी, क्या हुआ तेरे को? हाथ हटा, हाँ भाई सोचो अंदर बातें बातें चले, वो टीवी चालू हो गया, क्या हूँ समझ रहे सब तू? अच्छा अभी तभी ठीक हो गई यार, मैं आ गया तो तभी ठीक हो गई, पीछे तेरे को पता है मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया, मैंने आने से पहले तेरे कोई चीज लेके आया, मैंने बोला बंदा बीमार है लेके आता हूँ। वाह वाह जो आए, अब बताऊँ कौन सी चीज़ है, चीज छोटी है यार, 5 रुपए वाली है, कभी जेब में आ गई। सबसे पहले मैं अपने गाइस को बताऊँगा, गेस करके आए नहीं नहीं अड़े गैस करके आए बोल, ये दूध वाला नहीं होता भाई, थ्रो गया था पता लगा घंटे के हां भाई, ये रहा ये रहा, इतना छोटे ये ही चीज होती है, चुपचाप चुपचाप खाओ तुम लोगों को क्या, अभी इसका पूरा डब्बा ले गया। हां तो ये तू नहीं खा रहा, खा खाना है खाना यार, तेरे लिए लाया हूं तू ही खाना, अरे अपन कैसे मिलो पे बनाते ये फनी वीडियोस होती है कंटेंट, मेरे पास इसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है, एक दिन बनाएंगे सही है इंशाल्लाह, तानी दे बैठने तो दे भाई, तू तो बैठने का नहीं पूछता, गंदी है सफा नहीं है गंदी है, तो तेरे क्यों खच्चा पहने मेरे को वाकई में यार बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही है तेरे इस खच्चे, तेरे बुखार होने में इतना वो नहीं हो रहा, तेरे खच्चे पहनने में हो रहे भाई, इतने पहना क्या है तुम लोग चेक करो। हाँ तो गाइस बस मैं जा रहा हूँ के लिए कुछ बर्गर्स वर्गर्स लेने, सो लेते हैं खाली अकेले खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी लेते हैं, पर आप लोगों को तो सिर्फ मेरे से मतलब है ना, सो बस मैं चलता हूँ लेता हूँ वो फिर खाते हैं, बाकी दादी के पास से तो आ गए ठीक है फारिग हो गए, उसकी कोई तबीयत इतनी मतलब थोड़ी सी ख़राब थी, मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा ख़राब नहीं थी, घूम फिर सकता है कोई इतना वो नहीं है, मसला नहीं है शून्य, सो बस अभी फ़िलहाल तो हम लोग चलते हैं यार बर्गर लेने, क्या दादी की बातें लेते बैठे हाँ। तो गाइस अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, तुम लोगों ने देख लिया सब कुछ हो चुका है, अब कुछ दिखाने की नहीं है, और तुम लोगों को एक बात ये भी मैं बता दूँ, अब मेरे व्लॉग सुबह शुरू होते हैं रात को ख़त्म होते हैं ठीक है, ये नहीं कि जब मेरा दिल करे तब व्लॉग बना लिए तब दिल करे नहीं बना, ये डेली व्लॉगिंग है और हमेशा ये डेली व्लॉगिंग मेरी चलती रहेगी 1 साल तक 1 ईयर तक, इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीना तो हो गया बस यार, कितने साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीना बीत गया 12-11 महीने रह गए, आराम से हो जाएगा डे, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूँ तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने के लिए, तुम लोगों मेरे को और कमेंट्स करने के लिए सब कुछ बताने के लिए कि साथ ये करो वो करो, इसी लोग को यहीं पर एंड करते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।